नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। प्रदेश सरकार परसदीय स्कूलों के कायाकल्प पर अपना पूरा जोर लगाए हुए है, लेकिन फिरोजाबाद जिले के कशवा मक्खनपुर में स्थित कन्या जूनियर हाई स्कूल की दशा दयनीय है। जबकि इस विद्यालय को 2017 में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गोद लिया था। इस विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। रमाकांत बजाज, जिला उपाध्यक्ष व्यापार मंडल मक्खनपुर में हमारी संवाददाता को बताया कि इस विद्यालय की छतें बरसात के मौसम में टपकती हैं, वहीं छतों का प्लास्टर भी गिरता रहता है, जिससे कभी भी बच्चे को ऊपर गिर सकता है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। यहां तक कि इस विद्यालय को 2017 में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे द्वारा गोद लिया गया था। कुछ माह पूर्व जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया, मगर इसमें कुछ कमियों को देखते हुए स्टाफ का 4 माह से वेतन भी नहीं आया है। स्कूल में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आता है, जिसके चलते बच्चे गंदगी में पढ़ने को मजबूर हैं। इधर हार्वेस्टिंग की बात की रहे तो इसमें ना तो पानी आता है और ना ही जाता है। इसके नाम पर केवल खाना पूर्ति है, जिसमें लाखों रुपए का घपला करने का भी आरोप लगाया है। लोगों ने बताया कि अधिकारियों को इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जब इस संबंध में ईओ अमर बहादुर से बातचीत की गई तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। फिलहाल स्कूल जर्जर अवस्था में आंसू बह रहा है, क्योंकि इसका कोई भी हाल लेने वाला नहीं है। तो देखते रहिए हमारे संवाददाता राजेश गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है? रमाकांत बजाज। क्या समस्या? उपाध्यक्ष व्यापार मंडल मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद। स्कूल की क्या समस्या थी इसकी? स्कूल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो यहाँ पर स्कूल में काफ़ी गंदगी रहती है। नगर पंचायत द्वारा कई बार निर्देशित किया गया है, लेकिन यहाँ साफ़ सफाई नहीं होती है, और मरम्मत के नाम पर भी यहाँ मतलब बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मरम्मत होती है लेकिन खाना पूरी होती है, और एक मतलब बिल्डिंग में मतलब जो कोने पे मतलब काफ़ी चटक है, कभी भी कोई गंभीर हादसा भी हो सकता है, लेकिन नगर पंचायत द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं होती है। इस संबंध में विद्यालय की प्रिंसिपल ने कई बार अवगत कराया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करते हैं ये लोग। इसमें ये पानी निकालने के लिए हर बार बनवाया था, क्या मतलब है इसका? स्कूल में नगर पंचायत द्वारा वाटर हार्वेस्ट के नाम से 2 वाटर हार्वेस्ट लगाए हैं, और ये केवल खाना पूरी है। इसमें न तो पानी आने की कोई व्यवस्था है, न जाने की कोई व्यवस्था है। चार पाँच फुट गहरा गड्ढा खोद दिया है, और स्कूल में प्रिंसिपल को या स्टाफ को बता दिया है कि हमने वाटर हार्वेस्ट बना दिया है, लेकिन ये वाटर हार्वेस्ट के नाम से घपलेबाजी है, लाखों रुपये का गमन है। और ये हमारा स्कूल पुलिस अधीक्षक जनपद फिरोजाबाद 2017 में गोद लिया था, और यहाँ के गणमान्य लोगों ने भी काफ़ी योगदान किया था। इस संबंध में हम कई बार यहाँ स्कूल में आते हैं, व्यवस्था भी देखते हैं, और कोई भी वैसा कार्य होता है हम गणमान्य लोग कराते हैं, लेकिन नगर पंचायत द्वारा काफ़ी घपला किया जा रहा है, न कोई सुनवाई है और नहीं, और प्रिंसिपल ने कई बार अवगत भी कराया है, लेकिन उन्होंने कोई मतलब जो है संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। और वाटर हार्वेस्ट के नाम से न तो इसमें बोरिंग हुई है, केवल 4-5 फुट गहरा गड्ढा करके, और जनता को प्रिंसिपल को या स्टाफ को बेवकूफ़ बनाकर अपना पैसे का गमन कर रही हैं। क्या स्कूल का किस नाम से स्कूल है ये? AUPS मक्खनपुर। क्या समस्या है स्कूल में? इसमें कुछ नहीं, ये ऐसा है ना, ये बृहद मरम्मत नगर पंचायत के द्वारा कराई जा रही है जी। इसका काम चल रहा है जी। उन्होंने काम किया है, मतलब सही नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ इसमें? ठेकेदार साहब से कहते हैं तो वो कह देते हैं मैडम करा रहा हूँ, अभी तक तो मतलब चल रहा है। हम भी जैसे मकान ये कमरे की छतें टूटी हुई हैं, चटक रही हैं, इसमें बच्चे भी पढ़ते हैं, तो ठेकेदार ने क्या कहा था? ठेकेदार ने छत की मरम्मत करा दी है। अच्छा। जो हमारी वास्तव में दीवार जो कोना जा रहा है उसका कोई वो नहीं है, वो चटक आज भी है। जो मैंने पहले भी कहा था कि ये चटक है, यहाँ से दीवार नीचे जा रही है, तो वो ये कह देते हैं कि मतलब देखो मैडम मैं करवाता हूँ, मेरे अगर एस्टीमेट में होगा तो मैं यहाँ पिलर दूंगा। आपने नगर पंचायत अधिकारी को कुछ बताया था? ईओ सर को मैं लिखित भी दिया है। उसमें क्या कहा? ईओ सर कह रहे हैं करा रहा हूँ मैडम, देखिए आप पर्चे ये पानी निकालने के लिए बनाए गए, तो क्या ये क्या समस्या है इनमें? वाटर हार्वेस्टिंग बनाया लेकिन पानी की निकासी की तो कोई व्यवस्था नहीं अभी है, इसमें ही गंदगी भरी रहती है।
और इसी चक्कर में 27 नवंबर को डीएम सर के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था हमारे विद्यालय का, तो वाटर हार्वेस्टिंग का काम चल रहा था तो उसमें यहाँ धूल मिट्टी पड़ी थी। इसी चक्कर में हमारे प्रांगण में साफ सफाई न होने की वजह से मेरे पूरे स्टाफ का 4 महीने से वेतन रुका हुआ है, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बीएसए सर्वे के द्वारा